हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि रिमिनी ऐप क्या है, रिमिनी ऐप से कैसे अपना फ़ोटो का क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देख सकते हैं आप कि मैं यहाँ प्ले स्टोर ओपन कर चुका हूँ। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर रिमिनी टाइप कर लेना है। रिमिनी ऐप जो है कि इसका नाम है REMINI, रिमिनी, इस तरह से देख सकते हैं जो मैं टाइप कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे टाइप करने के बाद ये वाला ऐप यहाँ पे आ जाता है। सिंपली आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैं तो पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो यहाँ से मैं कट करके पीछे आ जाता हूँ। अपडेटिंग वाला ऑप्शन आ रहा है तो मैं पीछे चले आता हूँ। मेरा अपना मोबाइल में जो ऐप डाउनलोड है रिमिनी, उसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। चलिए सिंपली मैं यहाँ पे रिमिनी ऐप को ओपन करते हैं। तो सिंपली ये देखिए मेरे पास रिमिनी ऐप है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सिंबल दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे कट कर देना है। कट्टम पुट्टी वाला निशान जो है लेफ्ट साइड में, तो उसको आप क्लिक करके कट कर देना है। जैसे ही कट कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने में पिक आ जाएगा, जो भी पिक आपको लेना है। मैं सिंपली ये वाला पिक ले लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ये वाला जो बटन दिख रहा है ब्लैक बटन, इस पर क्लिक करना है। सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पे एक ऐड आ जाएगा। तो ऐड आपको काटना नहीं है, जो भी 15 मिनट 4 मिनट 10 मिनट का ऐड है उसको देख लेना है। सिंपली मैं यहाँ पे इस ऐड को देख लेता हूँ। देख के अब इस ऐड को काट देता हूँ कट्टम कुट्टी से। तो गाइस देख सकते हैं कि इस ऐड को देखने के बाद यहाँ पर मैं काट दिया हूँ। काटने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद देख सकते हैं कि ये वाला यहाँ फिर से प्रोसेसिंग लेने लगा, यानी कि इमेज का क्वालिटी मतलब वहाँ पे लोड लेने लगा। तो चलिए इस लोड को थोड़ा लेने देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे फिर मेरा सामने में आप पिक देख सकते हैं कि इसका देख सकते हैं यहाँ पर कैसा था पहले, आप कैसा हो यहाँ देख सकते हैं। ये जो यहाँ ग्राफ है, ग्राफ से पहले देखिए, इधर देखिए थोड़ा मैं करता हूँ। देखिए पहले ऐसा था, वैसा हो गया। थोड़ा बड़ा करके मैं इसका स्क्रीन को दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, पहले ऐसा था, अब देखिएगा करके दिखाता हूँ, तब ऐसा हो गया। तो गाइस इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कितना अच्छा एकदम क्लियर देख सकते हैं आ रहा है। तो इसको अब सेव कैसे करना है, तो आपको सेव करने के लिए भी बताऊँगा। सबसे पहले इस फ़ोटो को बड़ा करते हैं। यहाँ से बड़ा करके पूरा एडजस्ट करके आप कर लीजिएगा। हम तो थोड़ा बता रहा हूँ आपको, थोड़ा अच्छा से एडजस्ट करके, जैसे इस ग्राफ को लास्ट तक ले जाना, ठीक है ना। तो एडजस्ट कर लेते हैं हम। चलिए गाइस एडजस्ट हो गया। सिंपली आपको अब सेव करना है, तो कोना में देख सकते हैं वहाँ राइट साइड में डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली आपको उसी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सेव वाला बटन जो है ब्लैक कलर का, इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली हमें ब्लैक कलर पर सेव पर क्लिक करते हैं। सेव करने के बाद फिर यहाँ आपके सामने में ऐड दिख जाएगा। जैसे सेव पर क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं मेरे सामने में फिर से ऐड आ गया है। ये इन्फिनिक्स वाला कोई भी ऐड आता है तो आपको ऐड देखना है पूरा, काटना नहीं है। जब तक वहाँ पे कट्टम कुट्टी वाला निशान नहीं आएगा तो आपको बैक नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे मैं इस ऐड को फुल वॉच कर लेता हूँ। देखिए 2 सेकंड 3 सेकंड पूरा देखने के बाद तब आपका पिक डाउनलोड होगा। तो गाइस देख सकते हैं सिंपली मेरा ये पिक डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर डन वाला ऑप्शन है। सिंपली मैं ऊपर कोना में डन करता हूँ। जैसे ही मैं डन करूंगा तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा सेव। तो गाइस देख सकते हैं कि सिंपली ये मेरा सेव हो गया। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। आप इसी तरीके से इस रिमिनी को यूज कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।